कैसे हो आप, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ, ऐसी एक सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन के कैमरा की मदद से, जी हाँ दोस्तों कैमरा की मदद से, सिर्फ कैमरे का यूज़ होगा और आप किसी भी चीज़ की लंबाई नाप सकते हो। अब वो चीज़ चाहे इतनी लंबी हो, इतनी कितनी भी ज़्यादा लंबी हो सकती है, तो उसकी आप लंबाई नाप सकते हो, या फिर और ज़्यादा मतलब कि कैमरा की रेंज में आना चाहिए, इतनी लंबी चीज़ होनी चाहिए, तो कैमरा की मदद से आप बिल्कुल छोटी सी ट्रिक से उसकी लंबाई नाप सकते हो और बहुत ही कम समय में नाप सकते हो। अगर आपके पास टेप नहीं है तो भी नाप सकते हो। और ये जो है बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब अगर आपकी वो जो वस्तु है, वो जो चीज़ है, वो 2 फीट की है तो यहाँ पर भी सिर्फ 2 फीट ही बताएगा, कुछ भी ज़्यादा या फिर कुछ भी कम नहीं बताएगा। और दोस्तों इसके बाद में जो है यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैं जो एप्लीकेशन, मतलब कि मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जो एप्लीकेशन है, ये जो मोबाइल AR एनिमेशन सपोर्ट करते हैं उनके मोबाइल में सपोर्ट कराएगा ये एप्लीकेशन। तो अब मेरे पास MI A3 है तो मेरे मोबाइल में भी चल जाता है एप्लीकेशन, तो इस बात का आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, तो मैं भी जाता हूँ मेरे मोबाइल के प्ले स्टोर में। और यहाँ पर प्ले स्टोर में आने के बाद में यहाँ पर ऊपर हम सर्च करते हैं Came2Plan, CAME TO PLAN, यहाँ पर लिखकर सर्च कर देते हैं। तो सर्च करने के बाद में जो पहला वाला एप्लीकेशन है सिंपल से डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है Came2Plan और AR मेजरमेंट, मतलब जो स्मार्टफोन AR एनिमेशन सपोर्ट करता है उसी में ये काम करेगा। 5 मिलियन जो है डाउनलोडिंग है और 3.9 की रेटिंग है और 21 MB का है। तो यहाँ पर इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना, और मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मुझे फिलहाल अपडेट नहीं करना है, तो इसको डायरेक्ट करता हूँ अब मैं सिंपली ओपन। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको ओपन कर लिया है, और इसके बाद में जो है इंटरफेस कुछ ऐसा होगा इस एप्लीकेशन का। यहाँ पर है एक गूगल की तरफ से ऐड आ रहा है तो उसको फिलहाल क्लोज कर देते हैं हम। और यहाँ पर ये जो प्लस लिखा हुआ है इस प्लस को क्लिक करना है, तो नीचे जो प्लस बना हुआ है इस प्लस को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लस पर क्लिक किया तो ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ आ गया, उसको क्लिक करना है। क्लिक करते से ही वापस से एक और ऐड आया तो उसको कट करते हुए और यहाँ पर रेडी पर क्लिक करना है। और अब जैसे ही हम रेडी पर क्लिक करेंगे तो एक बार इसे ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, तो वापस एक बार बैक करना है और वापस से एक बार प्लस पर करके और ये हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करना है, यहाँ पर रेडी पर क्लिक करना है। और इसके बाद में जो है ये मेरे मोबाइल का कैमरा चालू हो चुका है और यहाँ पर जो है सामने कुछ ऐसा ही इंटरफेस है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो आप फ्लैग देख रहे हो यहाँ पर, ये फ्लैग वहाँ पर रहेगा जैसे कि हमें यहाँ से दूरी नापनी है, तो पूरी स्क्रीन में कहीं पर भी एक क्लिक कर दीजिए सिंपल से, ये मैंने क्लिक किया। अब इधर अगर हमें ले जाना है तो वहाँ से और वहाँ तक की दूरी जो है 3 फीट है। अब उसको इधर से और यहाँ लेकर आते हैं, इधर कहीं पर लेकर आते हैं अपन, यहाँ लेके आते हैं। तो एक बार यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब देखिए यहाँ पर जो है लाइन बनती जा रही है, ये जो येलो वाली लाइन है इसके अंदर का एरिया हम नाप सकते हैं। तो देखिए वहाँ से यहाँ से और यहाँ तक की दूरी भी नाप गई, और इसके बाद में जो है अब इसको यहाँ मिला देता हूँ तो इसके बीच में जो स्क्वायर फिट आएगा वो भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है हमने कर दिया है, इसके बाद में नीचे जो ओके बटन दिख रहा है ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों हम ओके पर क्लिक करते हैं तो फिलहाल तो एक एडवर्टाइज आया है, इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाली जो थी वो दोस्तों ऊपर वाली जो है वो है 3 फीट 3 इंच, और नीचे वाली जो है मतलब कि एक साइड वाली है 5 फीट 5 इंच और एक साइड वाली है 5 फीट 3 इंच। और इसके बाद में अगर बात करते हैं स्क्वायर फीट की तो 8.29 स्क्वायर फीट बन चुका है, यहाँ पर ऊपर सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों आई थिंक आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस मैंने सब कुछ आपको समझाया है, लेकिन अगर इतना शक भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। और अगर इतना शक भी समझ में आ जाता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो आने तक जय हिंद, वंदे मातरम।